अंधेरे दलघर में। अब आएगा असली मजा। पहले इन खास डिब्बों की डिलीवरी तो कर दूं। ये है बड़ा धमाका करने वाला छोटा बम। ऑपरेशन फन एंड गेम्स टोक्यो में कहीं सुबह 7 बजे। मुझे लगता है जेफ इसी गड़बड़ी की बात कर रहे थे, पर इसकी क्या वजह हो सकती है? मुझे ये कहने में बहुत अजीब लग रहा है, पर हम जिसका भी पीछा कर रहे हैं वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है हमें भी ऐसी ही कोई सीक्रेट चाल चलनी होगी। तो किस रास्ते गया वो? मिल गया तुम्हें सवाल का जवाब? कम ऑन स्पाइस, हमारे असली रंग दिखाने का वक्त आ गया है। चलो ओके, तो प्लान क्या है? मुझे लगता है हमें उसे वो प्लास सोप आउट या वो स्टिकी स्ट्रिंग से पकड़ लेना चाहिए। मैं कहता हूँ उसका सामना किया जाए। वो दिखता नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसे हराया नहीं जा सकता। नहीं टोनी, अभी नहीं, पकड़ लिया। लगता है इस बार मैं फंस गया हर तरह से। मेरी लाश उबैद का जवाब नहीं। मुझे लगता है बिना सोचे समझे उस पर धावा बोल देना ठीक नहीं था। लेकिन फायदा भी तो हुआ, कम से कम हमारे हाथ एक सुराग तो लगा है। सच में? हाँ, टोनी के हाथ पर लगा उसके हाथ का निशान। मैं इसे स्कैन करके जांच के लिए जारी के पास भेज देता हूँ। जो करना है जल्दी करो, स्कूल शुरू होने वाला है। इसे कहते हैं दिन की सही शुरुआत। साउथ डे स्कूल सुबह। मिशन खराब करने के लिए माफी चाहता हूँ दोस्तों, मेरी गलती से वो विलेन भाग गया। अब खुद को ब्लेम मत करो टोनी, तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी, भले ही तुम थोड़ा ओवर एक्साइटेड हो गए थे। और वैसे भी जो दिखाई ना दे उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। सच है, अगर मैं इतना छोटा ना होता तो शायद वो भाग ना पाता। ऐसा नहीं है टोनी, हो सकता है तुम सबसे छोटे हो पर तुम में हिम्मत की कमी नहीं। सच में? बिल्कुल, खुश हो जाओ, लंच पर मिलते हैं। संभाल कर। माफ करना छुटकू, तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? छुटकू बहुत हो गया, मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा अभी इसी वक्त। थैंक्स टोनी, पर हम अपना खाना खुद ले लेंगे। ये खाना तुम लोगों के लिए नहीं है, ये मेरे लिए है, ताकि मैं स्ट्रांग बन सकूं। क्या है स्ट्रांग? इससे तो तुम फूल जाओगे, इतना खाना खाकर तुम स्ट्रांग नहीं मोटे हो जाओगे मिस्टर टोनी। हाँ, और फिर तुम दोनों के कमरे में मास्क के लिए जगह नहीं बचेगी। भरोसा रखो, मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। टोनी, तुम्हें नहीं लगता तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो? हाँ, तुम छोटे हो तो क्या हुआ, तुम सिर्फ 11 साल के हो, तुम तो लंबे हो ही जाओगे कभी न कभी। और अगर नहीं हुआ तो? अगर मैं जिंदगी भर टिंगू दुबला पतला ही रहा तो? जय, ये आप ही है ना सफेद बालों में? हाँ, सपने तो कोई भी देख सकता है ना। पर आप मेरे लॉकर में क्या कर रहे हैं? तुम्हें मिशन पर जाना है। जेरी, जब आप कोई कैरेक्टर बनते हैं ना तो पूरी तरह उसमें समा जाते हैं। बिल्कुल, एक जासूस को एक्टिंग में भी उतना ही एक्सपर्ट होना चाहिए। तो आज का काम क्या है? हाँ, मैं सीधे काम की बात कराता हूँ। पूरी दुनिया से कुछ टीनेजर्स गायब हो गए हैं और तुम्हें उनकी तलाश करनी है। सबसे पहले अपने शहर से ही शुरुआत करो।
ये काम तो किसी बड़े आदमी के लिए है, मेरे जैसा दुबला पतला चुटकू सारा काम खराब कर देगा। ओ, वैसे वूप के बिल्कुल नए ट्रेनिंग प्रोग्राम से तुम ताकतवर हो जाओगे, अगर चाहो तो आज दोपहर से ही शुरू कर सकते हो। ऑसम, जल्दी शुरू करें। तो फिर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, ये है तुम्हारे गैजेट। डबल ऑसम। सबसे पहला है पकड़ो और जाओ बेसबॉल ग्लव, सेफ और क्लीन कैचेस के लिए। फिर है हवा में उड़ाने वाली पंखों वाली अनोखी टोपी, जमीन के दुश्मनों से दूर जाने के लिए। और ये रहे बुरा मत देखो कॉन्टैक्ट लेंसेज, ताकि तुम्हारे दिमाग पर कोई भी काबू ना पा सके। और आखिर में है बबल गम बॉम, वो भी चेरी कोला फ्लेवर में। ये है टेस्टी और फटने में भी दमदार। अगर बुरा ना मानो तो मुझे और भी जरूरी काम है। मिशन नंबर 431। टोनी, इस वक्त वीडियो गेम्स खेलना जरूरी है क्या? कौन से गेम्स? मैं तो वैन चला रहा हूँ। ओके, हम एवन के घर पहुँच गए हैं, वही लापता लड़का जिसके बारे में जेरी ने कहा था। जेरी से याद आया, मुझे लगता है कभी कभी हमें भी भेस बदलना चाहिए। मुझे यकीन है उसमें बहुत मजा आएगा, पर मेरे पास बेहतर प्लान है। तुमने सही कहा ली, दबे पाव घुसने में भी अपने ही फायदे हैं। तो कुछ काम की चीज मिली? यार कुकीज, बहुत बहुत सारी कुकीज। वो की ट्रेनिंग का मतलब ये नहीं कि मैं अपने सामने रखे हर टेस्टी खाने को दूर हटा दूं। टोनी, शायद वो तुमसे मिशन के बारे में पूछ रही थी। गाइस, तुम्हें ये जरूर देखना चाहिए। वो यहाँ तो सब कुछ जल गया है। अजीब बात है, पता नहीं ये कैसे हुआ होगा। नो वे। हाँ? क्या बात है टी? ये है दुनिया के सबसे बढ़िया एडवेंचर कार्ड। मैंने आज तक इतने लौके कार्ड नहीं देखे। इन्हें कहते हैं हीरो डेक्स, पर मुझे लगता है ये स्पेशल एडिशन है। और बताओ, इसका हमारे काम से क्या लेना देना है? पता नहीं, पर हो सकता है ये इस पैकेज में ही आया हो। ये बिल्कुल उनके साइज का है। शायद ये कोई सुराग हो। लगता है सुराग हटा कर निकलने का वक्त आ गया। हे, अब मेरी वूप ट्रेनिंग का वक्त हो गया। इसका मतलब इस सीक्रेट एजेंट क्लब की मीटिंग अब खत्म होती है। वूप हेडक्वार्टर, शाम के 5:15। हे जैन, मैं ट्रेनिंग शुरू करने के लिए तैयार हूँ। जेरी? आज जेरी नहीं आएगा, आज सिर्फ हम दोनों हैं टोनी। तुम ताकतवर बनने में मेरी मदद करोगे, पर तुम तो कितने छोटे हो। मेरे दिखने पर मत जाओ। क्योंकि मैं हूँ एक पूरी तरह से बदल सकने वाला दूसरा ट्रेनिंग रोबोट। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। अरे, ये मैंने कैसे किया? वैसे तुम जितने दिखते हो उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हो। ये भी हो सकता है कि तुम एक बढ़िया इंस्ट्रक्टर हो। कुछ देर बाद क्लास के घर में। अब तक हमें जो भी पता चला है उसके बारे में हमें जेरी को बता देना चाहिए। गुड आइडिया, मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ। अच्छा है, ज्यादा देर नहीं हुई, अब मॉम और डैड यहाँ आकर हमें परेशान नहीं करेंगे। हे किड, तुम्हारा दिन कैसा था? हमारा दिन बहुत अच्छा था। आप जानते तो हैं। मेरा दिन तो बहुत बढ़िया था, मैंने 10 घर बेचे और मैंने 20 नाव बेची, इसलिए हम काम से जल्दी आ गए। और अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करने के लिए हम पूरे परिवार को बाहर डिनर के लिए ले जा रहे हैं। ग्रेट, जैसे ही टोनी घर आएगा हम निकल सकते हैं। हे जेरी, क्या हुआ? स्पाइस, मेरे पास तुम सबके लिए जानकारी है। मैंने उस हाथ के निशान की जांच की और मुझे पता चला कि वो टोक्यो की मीको मैक्सिमोटो नाम की लड़की का है और वो भी लापता है। हमारे वूप डेटाबेस के मुताबिक मीको जापान की हीरो डेक चैंपियन थी। वही कार्ड जो हमें एवन के घर पर मिले थे? हाँ बिल्कुल।
कहीं तो कोई कनेक्शन जरूर होगा। अरे नहीं, एवन भी एक हीरो टेक चैंप है। पता नहीं तुम इन्हें निशाना क्यों बनाएगा। पता नहीं, पर हो सकता है क्राइम सीन पर मिले बक्से से कुछ पता चले। गुड आइडिया, काश इस पर कोई पता लिखा होता। हाँ, पर इस पर पोस्टल कोड है जो हमें सीधा सेंडर तक ले जाएगा। बहुत बढ़िया काम किया टीम, इस बात की फौरन जांच कर लो। टोनी को कॉल करके सबके बारे में बता देते हैं। लगता है वो अभी भी ट्रेनिंग में है, जवाब नहीं दे रहा। तो फिर उसके फोन पर मिशन और डिनर के बारे में मैसेज छोड़ दो। शायद हूप मैकेनिक ठीक कह रहा था, अगर मैं उसे हरा सकता हूँ इसका मतलब मैं उतना कमजोर नहीं हूँ। ये क्या? लो हम पहुंच गए, ये तो बिल्कुल हमारे घर की तरह आम घर है। हाँ, बस उस हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम को छोड़कर जो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तो हमें दबे पांव अंदर घुसने का तरीका ढूंढना होगा। ये उड़ने वाली अनोखी टोपी हमारी मदद करेगी। ये तो हमें पकड़वा देगी, जैसे ही हम छत पर उतरेंगे अलार्म बजने लगेगा। हो सकता है कोई हमें देख ले। उससे पहले मैं अपने गैजेट से खास चाल चलूंगा। एक है खोदने और उड़ने वाली अनोखी टोपी, हमें बस कैमरास के नीचे से खोदना है और उससे घर के बेसमेंट तक पहुंचना है। क्या बात है, इसे कहते हैं मास्क का कमाल। लग रहा है कि हम किसी के बेडरूम में घुस आए हैं। हाँ, किसी ऐसे के जो हीरो डेक का शौक रखता है और मुकाबले जीतता भी है। शायद हमने गलती कर दी, हो सकता है ये बुरा इंसान ना हो बल्कि विलेन का अगला शिकार हो। ओके, मैं गलत थी। ये सब क्या है? लगता है इसका डीएनए चेन से जरूर कुछ लेना देना है। प्लीज हमारी भाषा में समझाओगे? इस कार्ड में ऐसी टेक्निक यूज की गई है जिसे छूने पर खिलाड़ियों का डीएनए बदल जाता है और वो गेम के कैरेक्टर्स बन जाते हैं। अब समझ में आया कि एवन के कमरे में सब जला हुआ क्यों था। उसने इस वाले को छू लिया होगा और ह्यूमन इंफर्नो में बदल गया होगा। सच लगाती हूँ, इनविजिबल लड़की ने भी ऐसा किया और अब वो ट्रांसपेरेंट गर्ल बन गई है। वो जरा ये तो देखो, क्या हुआ? ये है दुनिया के बेस्ट एडवेंचर कार्ड प्लेयर्स की लिस्ट और उन सभी को ये शैतान कार्ड भेजे गए हैं। पर कोई ऐसा काम क्यों करेगा? क्योंकि मुकाबले में कोई और ना बाकी रहे। हाय, मैं हूँ जिमी, इस प्लेनेट का सबसे महान और सबसे जीतने वाला एडवेंचर कार्ड प्लेयर। सच में? तो तुम अपने कंपेटिटर्स को रास्ते से क्यों हटाना चाहते हो? क्योंकि जीतने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिमी, तुम उधर किससे बात कर रहे हो? नहीं, किससे भी नहीं मॉम। मॉम, तुम कैसे सुपर विलन हो जो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो? तो क्या हुआ, मानता हूँ मैं थोड़ा अजीब हूँ, पर देखना मेरा मास्टर प्लान कामयाब होकर रहेगा। ओ, हमें उसकी चाल समझ लेनी चाहिए थी। तो अब हम क्या करेंगे? आसान है, हम छुटकू से मदद मांगेंगे। लगता है इसे हमारा मैसेज मिल गया। अब प्लीज हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकालो। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। मैं जानती थी कि टोनी बड़ा और ताकतवर बनना चाहता है, पर ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। जब उसने कार्ड्स को छुआ होगा तब उसमें चेंजेस आए होंगे और लगता है अब हमारा छुटकू द बल्क बन गया है।
अभी उसके बारे में सोचने का वक्त नहीं है। इन वेव्स के छूने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। क्या बबल गम बॉम्ब इन वेव्स को रोक पाएगा? पता लगाने का एक ही तरीका है। ओके मेगन, बातें कम करो और चबाओ ज्यादा। मैं तो हो गया। बढ़िया, अब जिमी को ढूंढा जाए। ओह, बस ये पता लग जाए कि वो है कहाँ। हाजरत होने वाले हीरो डेक के महामुकाबले में हिस्सा लेने गया होगा। सच? और ये तुम्हें कैसे पता चला? याद है ना, इस परिवार में सबसे होशियार मैं ही हूँ और मेरा तेज दिमाग ये कहता है कि जिमी अपने कैरेक्टर से कंपटीटर्स पर हमला करवाएगा और फिर उन्हें एक दूसरे को बर्बाद करते देखेगा। और हाँ, वैसे ये फ्लायर पढ़कर भी तुम्हें अंदाजा हो गया था। थोड़ा बहुत। अगर हमारा सामना उन सबसे होगा तो हमें थोड़ी और मदद की जरूरत पड़ेगी। मतलब हमें वूप से मदद मांगनी होगी? नहीं, इस मामले में तो हमें ही खुद की मदद करनी होगी। ऐसा करना ठीक होगा? मेरा मतलब, अगर हम ताकत हासिल करने के लिए कार्ड्स को छुएंगे तो हमें भी बुरी ताकत आ जाएगी। इसीलिए हम यूज करेंगे बुराना देखो कॉन्टैक्ट लेंसेज। अगर ऐसा है तो हमें जल्दी करना होगा। हमारे पास बदलने के लिए इतना वक्त नहीं है जितना टोनी के पास था। मैं इसी फिल्मी टच का तो इंतजार कर रही थी। मेरा जन्म ही हुआ था ग्राविटी डॉल बनने के लिए। मुझे लगता है मैं बनूंगा मिस्टर आइस। भले ही वो टाइट्स पहनता हो पर वो है काफी कूल। और मैं हमेशा से और लचीला बनना चाहता था, इसलिए मैं बनूंगा बेंडी बॉय। इससे पहले कि टोनी और बाकी बदले हुए किड्स वहाँ जाएं और गड़बड़ी फैलाएं, हमें वहाँ पहुँच जाना चाहिए। कम ऑन स्पाइस। हे गाइस, ये तो देखो। क्या बात है बेंडी बॉय? हीरो डेक मुकाबला। और मुझे ऐसा लगता है हमें भी जल्द से जल्द मैदान में उतरना चाहिए। प्लीज बताओ ये तुम्हारा एंटीकॉम बज रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मामा डैड की कॉल है। हेलो, तुम सब हो कहाँ? मैं और तुम्हारे डैड बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। वो हम बस टाइम पास कर रहे हैं। हम टोनी को लेने आए थे, कुछ देर में बात करते हैं मॉम। बढ़िया बहाना था मार्क। इस शहर में सुपर हीरोज की सिर्फ एक ही गलती जगह है और हम तुम सबको यहाँ से मार मार कर भगाएंगे। आजा सामने, दिखा कितना दम है तुझमें। अरे नहीं, कुछ खास नहीं है। देखो टोनी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिमाग किसी के काबू में है पर हम भाई हैं और मैं तुमसे लड़ नहीं सकता। तुम इसलिए जल रहे हो क्योंकि अब मैं तुम सबसे बड़ा और ताकतवर बन गया हूँ। बात हुआ, तुमने मुझ पर बेंच फेंकी, अब मैं सब भूल जाऊंगा। मेरी बारी। बहुत बढ़िया स्पाइस, अब इन्हें दिखाते हैं अपना असली जलवा। बहुत बढ़िया टीम। ठीक नहीं कर रहे हो, तुम सब बर्बाद कर रहे हो। तुम मेरा बना बनाया खेल बर्बाद कर दोगे तो मैं जीतूंगा कैसे? हाँ नहीं जीतो जूट, वही तो हम चाहते हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम अभी अभी अपने खास मुंह से उस विलेन को धूल चटाने वाले थे टोनी। मुझे
माफ कर दो। कॉन्ग्रेचुलेशन, काम बहुत अच्छे से हुआ एजेंट। तुम्हारी बदौलत अब जिमी के काले इरादे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। मतलब वो अपने पेरेंट्स के घर से निकलकर वूप के रिफॉर्म स्कूल में रहने आएगा। बिल्कुल सही। क्या बात है छुटकु टोनी, मुझे दुख है कि मिशन खत्म हो गया। हालांकि मुझे बुरे बनने में मजा नहीं आया, पर ताकतवर बनने में बहुत मजा आया। थोड़ा और इंतजार करो, वूप की स्पेशल ट्रेनिंग के बाद तुम भी असली में बल्कि हो जाओगे। ओह नो, मामा डैड का कॉल है, हमें अभी घर पहुंचना होगा। वो मुझ पर छोड़ दो साइज। जाने के लिए तैयार हो बच्चों? अच्छा है हम बाहर डिनर करने जा रहे हैं। आज तुम काफी दुबले पतले लग रहे हो टोनी।